नमस्कार, योजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपका फेवरेट स्नैक लेकर आई हूँ, अदरक की मलाई पनीर टिक्का। तो चलिए हम उसे बनाते हैं। अदरक की मलाई पनीर टिक्का का मैरिनेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मलाई। ये मैंने फ्रेश मलाई ली है, करीब 2 टेबल स्पून। उसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून क्रीम, 1 अदरक लहसुन का पेस्ट, हरे धनिया की चटनी, दरदरा पिसा हुआ सौंफ पाउडर, भुना हुआ बेसन, पिसी हुई काली मिर्च, चाट मसाला, नमक, नींबू का रस और लास्ट में कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके मैं डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इस मिक्सचर में मैं ये पनीर डाल देती हूँ। पनीर आप ऐसे ही मोटे मोटे क्यूब्स में काट लीजिए और उसको अच्छी तरह से हम हाथ से मिला लेंगे। क्योंकि चम्मच से या फोक से इसके पनीर के टूटने का डर रहता है, तो अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे और इसको करीब ढककर 2 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने रख देंगे। ये हमारा बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। मैंने 2 घंटे रखा है, लेकिन आप 1 घंटे में भी रख के बना सकते हैं। ये गैस पे मैंने ग्रिल पैन रखा है और इस पर बटर लगा लिया है। आप चाहे तो प्लेन पैन में भी बना सकते हैं और ग्रिल पैन में भी। और इसमें मैं ये रख दे रही हूँ और ये दोनों तरफ से सिक जाएगा। इसको एक एक करके हम पलटते जाएंगे और लाइट ब्राउन सा सेकते जाएंगे। मैंने सारे पलट दिए हैं, अब उधर से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और बस फिर हम लोग सर्व करेंगे। ये अदरक की मलाई पनीर टिक्का खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।